और भाई क्या हाल चाल है। तो भाई हम बात करेंगे उस शो के बारे में जिस शो में एक पड़ोसी अपनी पड़ोसन को उड़ाने के फ्राक में रहता है। नहीं भाई, वो भाभी जी नहीं है, वो है जूठा लाल का उल्टा चश्मा। सही पकड़े हैं। अबे तार को सिर्फ नाम का है, वो भी लास्ट में आता है शो में क्या चल रहा है वो बताने के लिए। सारा शो तो चाले चापन के दूर के मोसेरे के भाई के ऊपर है। ये शो इंडिया का लॉन्ग रनिंग शो है बंटी, पता कैसे? इस शो के अंदर वो होता है जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता है। वो ऐसे रुक तो इंट्रो लगाया नहीं। सबसे पहले इंट्रो लगा, उसके बाद शुरू करते अपनी बकचोद। देखो इस शो में वक्त के साथ एवोल्यूशन आया, जहाँ लोगों के रिश्तों में समय के बाद दूरियां आती है। इस शो में पहले छोटी छोटी बात पे लड़ा करते थे, अब कुछ ज्यादा ही प्रेम दिखाते हैं। हाँ भाई, ये तेरे मेरे पापा ने भी नाम रख दिया। किसका? भिड़े ने रखा था स्कूटर का और उन्होंने रख दिया कुत्ते का। अबे कुत्ते का नाम पूरी दुनिया रखती है। पर उन्होंने मेरा नाम कुत्ते को दे दिया और पूरे मोहल्ले से कहते हैं मेरा बेटा कुत्ता है। तो सही तो कहते हैं ना भोसड़ी के बेटे बेटे। ओ बेटा मौज कर दे। वाह बेटे वाह, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। इस शो के अंदर पहले जेठालाल पूरे सोसाइटी से अकेले ही लड़ता था। जैसे हर मोहल्ले में एक आंटी होती है जो पूरे मोहल्ले से लड़ती है और बिना बात के। जैसे हमारे मोहल्ले में रहने वाली आंटी इस बात पे लड़ती है कि उनसे कोई लड़ता क्यों नहीं है। पर क्या बोल रहे, बिना सब पैर की बातें। देखो इस शो के अंदर सारी प्रॉब्लम जेठालाल के साथ होती है। अब सो ही इसके ऊपर तो क्या कर सकते हैं? तो ये सब का फुटेज खाने के लिए आते हैं? नहीं, जेठालाल से लड़ने के लिए। बंटी तेरे को पता है ये शो कितना रेसिस्ट है? अरे कुछ भी नहीं, सच्ची दिखाऊं? दिखा। ये देख, जेठालाल की दुकान है वो गुजराती है और गुजराती लोग बिजनेस माइंडेड होते हैं। भाई सॉरी, माना पंजाबी कनाडा जाके टैक्सी चलाते हैं, पर ये क्या यार, इंडिया के अंदर अच्छे से अच्छे बिजनेस भी कर सकते हैं। पर नहीं, इस शो के अंदर भी गैरेज का मालिक दिखाया है और तो और सोसाइटी का पर्सनल ड्राइवर भी। जब भी किसी को जाना होता है तो वो सॉरी से कहते हैं भैया बन जा हमारा ड्राइवर, और सॉरी बन जाता है। और पता नहीं अब्दुल इनके बाप का नौकर है, जैसे कि सोसाइटी में कुछ भी काम करना हो अब्दुल से कह देती है। सुबह पानी की टंकी भरनी हो या कुछ सोसाइटी में डेकोरेशन, सब अब्दुल करता है। एक समय तो पता नहीं चल पाता है कि अब्दुल सेक्रेटरी सोसाइटी का या बेड़े, पता भी चलता अब्दुल रहता कहाँ है। जब भी आवाज मरवा दी रात को तो अब्दुल छट जाता है। मुझे लगता ना सोसाइटी की भारी बीड़ी फूकते सोता रहता होगा, जब आवाज मारते तो उठका जाता होगा। हाँ, जब तक एग्जाम में फेल हो जाता है जब तू भी तो फुटपाथ को जाके सोता है। अबे ये सब नहीं कहना होता पागल, हर घर में एक बड़ा बुजुर्ग होता है जैसे शो में भी है। पर फर्क ये है, नॉर्मल घरों में बड़े बुजुर्ग की बात को ऐसे इग्नोर कर देते हैं जैसे समय सरकार किसानों कर रही है। पर शो में जेठालाल के बापूजी उनकी बात पूरी सोसाइटी मानती है, उनकी कही हुई बात पत्थर की लकीर। और उनकी बात सुनकर तो भाई बड़े से बड़े डॉन भी जुर्म छोड़ देता है। हाँ, मेरे ताता ने एक बार कौन सा कहा, बेटा जुर्म छोड़ दो। तो क्या उसने जुर्म छोड़ दिया था? हाँ, पर ताता को शेर के पिंजरे में। तो क्या हुआ? तेरा खानदान एकदम अजीब होती। देखो इस शो में वक्त के साथ बहुत बदलाव आए, पर इन दोनों के घर में कोई बदलाव नहीं है। पर तारक को नई लुगाई तो मिल गई। अबे बीवी तो नहीं मिलगी, पर औलाद तो नहीं मिली। पर तारक का चलता है क्योंकि लेखक पेन हिला सकता है अपना। अबे क्या बोलता तू? अबे पूरी बात सुन, मतलब अपनी लुगाई नहीं जिससे उसे औलाद मिलेगी। अब तारक का समझ में आता है, वो सिर्फ पेन ही हिला सकता है, पर ये साइंटिस्ट अपनी बीवी के साथ एक्सपेरिमेंट करके काले पीले तो निकाल सकता है। काले पीले? ये क्या मतलब? अबे जैसे लाल पीले वैसे इनके काले पीले। अबे रेसिस्ट, हर चीज करियर नहीं होती है, कुछ इंसान की अंदरूनी कमजोरियां भी होती है। मतलब ये मर्दाना ताकत कायम रहे, शरीर में शक्ति कम ना पड़े। बहुत क्या पता
इसको ये प्रॉब्लम हो। सही कह रहे हैं। इस साइंटिस्ट ने 10 साल के ना सोसाइटी में हॉट बीवी रखने के बावजूद भी इसकी एक भी औलाद नहीं हो पाई। और ये देखकर बबीता जी भी जेठालाल से उम्मीद लगाए बैठी है कि भैया देखो जेठैया से कुछ हो नहीं पाएगा कि जेठालाल ही कुछ कर दे। तभी देखना है जेठा जी को प्यार से जेठा जी बोलती है और अय्यर को अय्यर। देख इस शो में भी जब कंटेंट की कमी हो जाती है जब इस शो के वर्जन के ऊपर शो को घुमाते रहते हैं। पोपटलाल और कौन पता नहीं चल रहा है 10 साल के अंदर इसके 10 बार रिश्ते आ चुके हैं और 10 बार इसकी शादियां टूट चुकी हैं और बेचारे बार बार खड़े वक्त पे मतलब खड़े उम्मीदों पे पानी फेर देते हैं। इस शो के अंदर अब तो टप्पू भी शादी की उम्र का हो चुका है पर पोपटलाल की शादी अभी तक नहीं हुई। भाई देख इस शो ने बचपन से लेके अब तक हमारा साथ दिया और आगे भी दिखता रहे बढ़िया है। और देखते हैं इस शो के अंदर आगे जाके जेठा और बबीता की सेटिंग हो पाएगी क्या, तारक मेहता 11 बच्चों का बाप बन पाएगा, भिड़े की लड़की से शादी टप्पू की हो पाएगी या नहीं, देखते हैं अगला कार्यक्रम। टन टन आ टन। बस भाई अगर वीडियो पसंद आई तो जो करना कर देना भाई मुझे नहीं पता, मिलेंगे और वीडियो में, धन्यवाद। Let's get this party started, motherfucker.